Okay. Next game is called press conference, or this will be directed by KK. Oh. Woohoo! Okay, this is another guessing game. We need three more people on stage. One, two. Oh my God. We need four. Four. Sorry. Yeah. So, before I discuss anything, we need to throw one person out. Who do we throw out? Do we listen to him? Number. Go others. Leave. Throw out paper. Acha, press conference is that he is the person holding the press conference. He is some special person who is declaring something he is going to do in life for which the press conference is. We all know who he is, what he is doing, he doesn't know. Okay? So, to give him a character, let's have somebody who was on Times of India today. Some important person from India right now. Gaddafi, not Indian. Gaddafi, okay, fine, Gaddafi. So, what is Gaddafi declaring today? What would you want him to declare? सारे के सारे ऑयल पेंट्स में आग लगा दूँगा। आग लगा दूँ। Something it doesn't do. Something may be related to history that happened 500 years before he came here. He's making a Bollywood movie. He's making a Bollywood movie. He's joining Bollywood. He's making a Bollywood movie. Okay, so Gaddafi is making a Bollywood movie. That's the press conference he is holding. So we'll bring him back, and these are the reporters. Count of three, we'll call back Adarsh, okay? One, two, three. Adarsh! He can say bag, bakri and chai. It's looking good. I see that, sir. Every day we see that happening. I know, sir. So there is, how do you deal with the stress of people not liking you much? I mean, we just told you on your face we don't like you. No, dekhi ji. Pura ye itni kadi mitti ke banaye hum ji. Samajh rahe hain? Pura aise sun ke bachpan itna chhota tha tab se people are not liking me. क्रिकेट खेलने जाता था ना, भाग लेते थे हमको सर. आप क्रिकेट खेलते सर? बचपन में सब खेलते हैं ना. ओह ठीक है. आजकल पीपल के लाइफ से खेल रहे सर आप. हां सर, सॉरी, वेरी बैड सर. देखिए, मैंने समझ मेरे लाइफ से खेले थे. बराबर समझ रहे हैं सब. घूम के आता जी, इट्स ऑल कर्म. सर ऐसे कमेंट आया था कि आपको बचपन में कुछ नहीं मिलता था, आप बहुत झगड़ा करते थे. इस बार तो आपने आर्मी बुला दी, ये क्या हो रहा है सर? हमारी आर्मी है, हम नहीं बुलाएंगे तो कौन बुलाएगा? नहीं बताइए उनको भी तो. अरे मशीन की तरह थी, मशीन को यूज नहीं करोगे जंग लग जाता है. सर आप आदमियों को उनकी उनकी जान, उनके खून को आप मशीन समझते हैं? पैसा कितना देता है प्रेशर की है वो. और जो जो प्राइड टू बी यू नो रिप्रेजेंटिंग जॉर्ज बुश, नहीं प्राइड नहीं समझते आप उसमें? नहीं बिल्कुल नहीं. थोड़ा सा प्राइड तो है जी, आप मानो या ना. नहीं सर, नहीं सर. सर लेकिन क्या पूरा मिडिल ईस्ट एरिया को आपने तहस नहस कर, मतलब बहुत कंट्रोवर्सी हो गई जस्ट बिकॉज यू आर स्लाइटली ऑफ देयर, आपने ये क्या पूरे अपराइजर को, आई मीन जो भी अपराइजिंग हो रहा है उसको आपने आर्मी से, ह्यूमन राइट्स क्राइसिस क्या हो रहा है सर? देखिए ह्यूमन राइट इज ओवररेटेड. सबसे पहले तो हम ये बता दे रहे हैं, इतने सारे ह्यूमन, 7 बिलियन, कितने लोग का राइट काउंट करते फिरिएगा सर? अपने देश के तो लोगों का राइट काउंट. अरे हमारा देश कितना छोटा सा, आप तो देखिए कंपेयर करने के फट से इंडिया से. इंडिया बड़ा देश है जी, वहाँ के लोग आदत है, हमारे देश को आदत नहीं है इतना एक्स्ट्रा लोगों रखने का. थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है समझ के, टाइम टू टाइम. लोग समझते हैं जी इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ लिबिया. ओह या आप समझते हैं, आप समझ. चला कौन रहा है लिबिया को इतने सालों से? कौन? गद्दाफी. ओह हैं, मजाक नहीं. आपको आना, आप इधर आके देखो पता चलेगा, लोग ये पत्थर मारते ऐसा लगता है सर. बट ठीक है सर, जो किया अच्छा किया, बट ये नया वाला एडवेंचर क्यों सर? हाँ सर, वो तो मतलब हाँ तो हो गया ना, मर मर गए, हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गया, लिबिया का इकोनॉमी स्टेबल हो गया सर. नाउ इज टाइम टू मूव ऑन सर. इज इट सर फॉर द हीरोइन सर? क्यों सर, क्यों सर? सर हीरोइन, देखिए हमारे धर्म में जो है
पूरी नारी जाति एक हीरोइन की कम्युनिटी है, सभी की सभी हीरोइन है जी, कोई कमी किसी में नहीं होती है। सर कितने नीच है आप। अरे नीच क्या, अरे आप तो हद गाली गलत को उतारे, हम उतरू अभी लेके गाली दो तीन चार। देखिए हम तो बोल रहे हैं कि जो चीज देखने के लिए बनाई गई है उसको क्यों ना देखना। सर आप देखने के लिए, आप तो अभी तक देख रहे थे सब कुछ, अब तो आप दिखाने पे चाह उतर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब देखिए आप जिस लाइन में जा रहे हैं आप सही लाइन पे, आप हिंदी सीखे, आप अभी इंडिया आ गए, लेकिन मतलब यहाँ पे रेपुटेशन मैटर सर इस लाइन में, और आपकी रेपुटेशन बहुत गंदी है। सर आपका फेस देखे सर, आपको टीवी पे भी कोई नहीं देखेगा सर। सर टू और आप तो बड़े 32 एमएम पे आने पे। देखिए जी कहीं तो शुरुआत करनी पड़ती है, फेस पे मत जाइए जी, इंडिया के हीरो लोग को हम देखे हैं और समझ रहे ना, वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है उनके हीरो कम देखी है, कम से कम उससे तो हम लाख गुना अच्छे दिखते हैं जी। रजनी के बाद ओह माय गॉड, साउथ पे तो ना जाइए सर, अब तो चले गए। नहीं सर नहीं, सुनो ट्राई करने से सब हो जाता है जी, समझ गए। तो आखिर फिल्म हीरो बनने में क्या खराबी है मेरा बताइए। आप अभी तक इतने दिन लिबिया पे अपना राज चलाते आए हैं, जोरों का हुकुम है ना, आपको ये तो पता होगा कि एक्टर का कुछ चलता नहीं है ज्यादा सेट पे, कुछ नहीं चलता। आप तो खुद ही सारा बात बताए जा रहे हैं हमको, तो देखिए इतना सारा पैसा जो लूटे हैं लिबिया का बैंक उतने ट्रस्टवर्दी नहीं है जी, समझ स्विट्जरलैंड को घुसने नहीं देता। सर आप ही ट्रस्टवर्दी नहीं लिबिया का बैंक। सुन तो लीजिए बात, तो जो है अक्सर न्यूज तो हम भी पढ़ते थे, इंडिया में इतने सारे घोटाले हो रहे हैं, इतना सारा पैसा इधर से उधर जा रहा है, और बॉलीवुड वो क्या बोलना है जी, बॉलीवुड का है मतलब ब्लैक होल की तरह जी, पैसा जाओ आदमी पता नहीं लगा भाई किधर गया, समझ गए। हम तो बोले भाई यही सबसे अच्छा तरीका है लिबिया से पैसा लाने का, बॉलीवुड में डालने का, समझ गए, 5-6 फिल्म प्रोड्यूस कर डालो ठीक है, और वो ऑसमनेस जो उसके बाद होगा और प्रॉफिट कितना होता है, भारत की जनता जो है हर पिक्चर देखती है 4 बार, समझ गए, बोर हो जाए तो पिक्चर देखती है, सैटरडे को कुछ नहीं करते तो पिक्चर देखती है, मम्मी आए पिक्चर देख लो, टिकट आ जाता है जी, रेवेन्यू आ जाता है, समझ गए। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया फॉर मी टू गो एंड इन्वेस्ट इन बॉलीवुड एंड प्रोड्यूस सम बॉलीवुड पिक्चर्स, यस राइट। तो आप लोग जो है लिखो ये बात, लिख लिए सर, कि जो है लिबियन ऑसम लीडर गद्दाफी इज गोइंग टू प्रोड्यूस सम वेरी ऑसम मूवीज इन इंडिया एंड रेस्क्यू इंडिया एंड बॉलीवुड, यस दैट्स राइट।